जय प्रदा और ठाकुर अमर सिंह ने स्वार में सभा को संबोधित किया। ठाकुर अमर सिंह ने आजम खां को खरी खोटी सुनाते हुए आजम खां पर निशाना साधा और कहा, मैंने आजम खां की माँ को माँ समझा और बहन को बहन कहता हूँ और आजम खां की बेटी को अपनी बेटी मानता हूँ। मालिक ने तो हर इंसान को इंसान बनाया है और उसे हिंदू या मुसलमान हमने बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। बहन दे बेटा जी, अरे आजम खान, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये मुठखाना, चाहे ये मानो चाहे ना मानो, ये मस्जिद है, ये मुठखाना, चाहे ये मानो चाहे ना मानो, मतलब तो है जी को समझाना, चाहे ये मानो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब सुबह अपना भजन करते थे तो भजन पहला दशाया करते थे, क्यों बिल्लाही बिस्मिल्लाही रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। हमारे सिख सरदार भाई बैठे हैं, सरहद पर बैठकर हर हिंदू परिवार का एक लड़का सिख होता था ताकि बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों को रोक सके। हम इंसान हैं तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान के औलाद है इंसान बनेगा। माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, पत्नी पत्नी होती है, वो ना हिंदू होती है ना मुसलमान। बेटी मुसलमान की भी हमारी बच्ची है, बेटी हिंदू की भी हमारी बेटी बेटी है, लेकिन अब चुनाव में विकास नहीं की चर्चा नहीं होगी, सड़क की चर्चा नहीं होगी, बिजली पानी और गैस की चर्चा नहीं होगी, बढ़ाने की चर्चा नहीं होगी, बढ़ोतरी और तरक्की की चर्चा नहीं होगी। अगर चर्चा होगी तो महिलाओं के अंतर वस्त्रों की चर्चा होगी। यह चर्चा हिंदू करे या मुसलमान, अमर सिंह करे आजम खान, क्या इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? यह सवाल